बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एसए व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बीएस उर्दू। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बीएस उर्दू के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स का ये ख्याल है कि बीएस उर्दू के बाद कोई स्कोप नहीं है, आपको कोई जॉब नहीं मिलती, सिंपल एक डिग्री है, एक लैंग्वेज है, तो इसके बाद हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट्स अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें। बीएस उर्दू के बाद बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। बीएस उर्दू के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है अर्न करने की, बहुत सी फील्ड्स में काम करने की, तो इसको हम डिटेल से शेयर करेंगे आज अपनी इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो उर्दू की थोड़ी सी हिस्ट्री आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जैसे कि हम सब पाकिस्तानी और हमें पता है कि हमारी जो कौमी जुबान है वो उर्दू है। उर्दू को हम लक्जरी ज़ुबान भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि बरसगीर पाको हिंद में जब सब इकट्ठे रहते थे तो यहाँ बहुत सारी कौमें आबाद थीं जिनकी मुख्तलिफ ज़ुबानें थीं, जिसमें हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, इंग्लिश, फ़ारसी, ये सारी मिक्स थी। इन सब ज़ुबानों को मिक्स करके जो ज़ुबान मुआरज़े वजूद में आई उसको हम उर्दू कहते हैं। उर्दू नहायत खूबसूरत ज़ुबान है, ना सिर्फ एक अच्छी ज़ुबान है बल्कि इसमें बीएस करने के बाद आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी भी है, जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो कि बीएस उर्दू करना चाहते हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो स्टूडेंट्स आपका इंटरमीडिएट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए तो आप बीएस उर्दू में जो है एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी खास स्ट्रीम में पढ़ा हो, यानी कि आईकॉम किया, आईसीएस किया, कुछ भी किया, आपने एफएससी किया, आईकॉम किया, आईसीएस किया, प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपने अगर अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आप बीएस उर्दू की तरफ आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का जो ड्यूरेशन है ना वो 4 साल का है, 6 माह का एक सेमेस्टर होता है, इस तरह 8 सेमेस्टर होते हैं और 4 साल में आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं। जहाँ तक इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैं आपको बताती चलूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में 70-80% पर इसका मेरिट बनता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में आपको 50% पर भी एडमिशन मिल जाता है। तो ये था इसका मेरिट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बात कर लेते हैं थोड़े से एक्सपेंस की। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ कि इसके जो एक्सपेंस हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यानी कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी से आप अपनी डिग्री को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसकी पर सेमेस्टर की फ़ीस 35,000 से स्टार्ट होती है। मिनिमम उसकी जो फ़ीस है 35,000 होती है, लेकिन जैसे जैसे आप किसी प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं तो आपके फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ जाता है। ये 45,000 हो सकता है पर सेमेस्टर मिनिमम। ये मैं मिनिमम बात कर रही हूँ गवर्नमेंट सेक्टर की भी और प्राइवेट सेक्टर की भी। बहुत सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा फेमस जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो उसके हिसाब से वहाँ का जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और उनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटी एरिया और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बॉदर करती हैं कि उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और उनका मेरिट क्या है। तो स्टूडेंट्स इसलिए मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में कहती हूँ कि आप अच्छे नंबर लें, अच्छा पढ़ें, ताकि गवर्नमेंट सेक्टर में आप अच्छी और सस्ती तलीम हासिल कर सकें। प्राइवेट सेक्टर की निस्बत आपको कम पे करना पड़े अपनी डिग्री के लिए। तो ये था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी तक कि उर्दू क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका मेरिट क्या होता है, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें तो आज की वीडियो में मैं आपको कोई स्पेसिफ़िक नेम नहीं बताने वाली यूनिवर्सिटीज़ के। तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटी जो है बीएस उर्दू का प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रही हैं। जितनी भी बड़ी और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको वहाँ पर बीएस उर्दू का जो प्रोग्राम है वो आपको बासानी जो है आपको ऑफ़र कर रहा होगा। तो अगर आपने बीएस उर्दू कर लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानने के लिए बेताब हैं कि अगर बीएस उर्दू के बाद क्या स्कोप है, आप उसके बाद क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपके साथ डिस्कस किया, आपको बताया कि इसके बाद काफ़ी सारा स्कोप है जिसमें आप जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं बीएस उर्दू के बाद। ये कोई ऐसी डिग्री नहीं है कि जिसके बाद आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, उसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहली फील्ड तो है टीचिंग। जैसा कि सबको पता है कि आप टीचिंग कर सकते हैं, बेहतरीन चीज़ है कि अगर आपने बीएस उर्दू किया, आप साथ बीएड भी कर लें तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी फील्ड में आने के लिए। आप टीचिंग कर सकते हैं स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि पहली से लेकर इंटरमीडिएट तक उर्दू हमारा कंपल्सरी सब्जेक्ट है, तो टीचर्स की ज़रूरत तो जाहिर सी बात है कि हमें हमेशा रहेगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पर भी आप इसको पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप कैलाग्राफी की तरफ आ सकते हैं। जब आप उर्दू पढ़ रहे हैं, अगर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप खताती की तरफ आ सकते हैं, आप बच्चों को अच्छे से अच्छा लिखना सिखा सकते हैं। तो इस तरह ये भी आपके लिए एक फील्ड है।
इसके अलावा आप मीडिया की तरफ आ सकते हैं, आप सहाफ़त की तरफ आ सकते हैं। सहाफ़ियों की और मीडिया पर्सन्स की उर्दू लैंग्वेज पर बहुत अच्छी ग्रिप होती है, वो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। न्यूज़ पढ़ने के लिए भी आपकी उर्दू अच्छी होनी चाहिए। मीडिया पर काम करने के लिए बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके लिए एक उर्दू पर अच्छी ग्रिप होने वाले शख्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप जो हैं वो मीडिया की तरफ आ सकते हैं, आप राइटिंग की तरफ आ सकते हैं, आप कॉलम लिख सकते हैं। कॉलम लिखने के लिए आप अगर प्रिंट मीडिया पर आते हैं तो भी आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस है। आप किसी अखबार के लिए लिख सकते हैं, किसी मैगज़ीन के लिए लिख सकते हैं, आप किसी बच्चों के लिए लिख सकते हैं। कॉलम नगारी के अलावा अगर आप कोई मज़मून लिखना चाहते हैं, स्टोरी राइटिंग की तरफ आते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मीडिया की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे राइटर्स हैं जो ड्रामा स्टोरीज़ लिख रहे हैं, फिल्म स्टोरीज़ लिख रहे हैं। तो जब आपने MBS उर्दू किया, आपकी उर्दू की ग्रिप बहुत अच्छी होती है और अगर आपके राइटिंग में इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में भी आ सकते हैं कि आप कॉलम नगारी की तरफ आ सकते हैं, आप स्टोरी राइटिंग की तरफ आ सकते हैं। इसके अलावा एज अ लाइब्रेरियन आपको जॉब मिल सकती है, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ में आप जॉब कर सकते हैं। आप प्रूफ रीडर के तौर पर काम कर सकते हैं, ऐसी बुक्स जो उर्दू में शाया होती हैं उनमें से जो गलतियाँ निकालते हैं प्रूफ रीडर्स कहते हैं उन्हें। तो आप इस तरह मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ जो कि बुक्स को प्रिंट करती हैं वहाँ पर जॉब कर सकते हैं और एज अ प्रूफ रीडर काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन की तरफ आ सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने BS उर्दू करने के बाद BED किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन की तरफ आ सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन में पढ़ा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, ये फील्ड भी उनके लिए है। इसके अलावा आप BS उर्दू के बाद आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, यानी कि आप फ्रीलांसिंग के ज़रिए कंटेंट राइटर बन सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो लोगों को चाहिए होती हैं, आप उर्दू में उन्हें राइटर की ज़रूरत होती है, तो आप ऑनलाइन भी जो है बहुत अच्छे तरीके से अर्न कर सकते हैं। आप एज अ ट्रांसलेटर जो है वो जॉब कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, या मुख्तलिफ बुक्स की ट्रांसलेट करने के लिए। थोड़ा सा उसमें यह है कि आपको इम्प्रूव करना होगा कि आपको अपना उर्दू के साथ किसी और अच्छी लैंग्वेज में जो है अबूर हासिल हो, ख्वाह वो इंग्लिश हो या वो फारसी हो या चाइनीज़ हो। आजकल चाइनीज़ का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड जा रहा है, तो इस तरह जब दो लैंग्वेजेस में आपको बहुत अच्छे से अबूर होता है तो आप एज अ ट्रांसलेटर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। पाकिस्तान का सफारतखाना हर मुल्क में है, तो एक जो सफारतकार है उसकी भी उर्दू पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। तो आप एज अ सफारतकार के लिए भी जॉब आपके लिए ऑफ़र होती है, आप इस तरह भी काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि BS उर्दू करने के बाद बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप आगे जा सकते हैं। BS उर्दू करने के बाद ये सारी फील्ड्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, आपके साथ डिस्कस की, आपको बताई कि आप यहाँ यहाँ जा सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपसे डिटेल से शेयर किया BS उर्दू का सारा क्राइटेरिया, कि आप इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, उसका मेरिट क्या, इसके एक्सपेंस क्या है, और उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयमेंट एरिया है वो क्या है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।